इस मॉड्यूल में हम फाइलम एकाइनोडर्म्स के अंदर डेवलपमेंट के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है दैट इज़ सी स्टार और द स्टार फिश अब एनिमल्स ने एग्स गमिट्स ये रिलीज़ किए गैमिट्स के बाद फर्टिलाइजेशन हुई फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एम्ब्रियज़ बने अब सी स्टार के अंदर जो एम्बरी हैं नॉर्मली दे आर प्लैंकटोनिक और इनके अंदर जो सीलिया मौजूद हैं दे आर हेल्पफुल इन द स्विमिंग प्रोसेस और उसके बाद जो है फर्दर फिर डेवलपमेंट होगी गैस्ट्रोलेशन होगी गैस्ट्रोलेशन के बाद जो सीलिया के बैंडस हैं नाओ दे आर डिफ्रेंशिएटेड और इससे जो अगले स्टेप में बनेगा वो होगा लार्वा अब इसके अंदर जो लार्वा है उसको हम कहते हैं बायपेनेरिया लारवा बायपरिया लारवा जो है दैट इज़ बाइलेटरल सिमिट्रिकल अब बाइपेनेरिया लार्वा जो है दिस इज प्री फ्लोटिंग लार्वा, दिस लार्वा यूजुअली फीड्स ऑन प्लैंकटोनिक प्रोटीन्स अब इसकी अंदर काइनोडर्म्स के अंदर या सी स्टार्स के अंदर एक लार्वा नहीं बल्कि डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं अब बायपेनेरिया लार्वा की फर्दर डेवलपमेंट होगी लार्वल आर्म्स बनेंगे और उसके रिजल्ट में जो अगली लार्वल स्टेज आएगी उसको हम कहते हैं ब्रेंक्यूलेरिया लारवा अब ब्रेंक्यूलेरिया लार्वा जो है अल्टीमेटली इट विल सेटल इट्सल्फ टू दिसट एंड फिर उसके अंदर मेटामारफोसिस होगी और मेटामारफोसिस के बाद इसमें जो अगली स्टेज आएगी उसको हम कहेंगे ज्यूविनाइल सी स्टार यहाँ पे देखें आप दिस इज द अर्ली बायपनेरिया लारवा अब बायोपेरिया लार्वा के अंदर जो स्ट्रक्चर डेवेलप हैं वो है माउथ एनस And there are ciliary bands, early bipenaria larva ke baad, next to larval stage i g that is known as late bipenaria larva here isander ciliary bands, and now they are much more developed, and now they are also differentiated into different marks. A late bipinaria larva jo hai, this will develop into another larval stage that is known as ब्रैक्योलेरिया लार्वा, ब्रैक्योलेरिया लार्वा जो है इसमें में फर्दर देर इज डिफ्रेंसीशन ऑफ सीलियरी बैंड्स एंड अल्टीमेटली डेवलपमेंट ऑफ आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर ब्रैक्योलेरिया लार्वा, अब इसमें सीलिया क्यों मौजूद हैं सीलिया इसलिए मौजूद हैं कि ऑल दीज लारवल स्टेज दे आर फ्री स्विमिंग एंड दे फीड ऑन द प्लेंटॉन और ये ब्रेंक्योलेरिया लारवा देन दिस विल डिवेलप इन टू ज्यूविनाइल सी स्टार्स अब जूवीनाइल सी स्टार्स के अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद होंगे माउथ एनस मेड्रेपोराइट एंड देर इज अर्ली डेवलपमेंट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम आल्सो अब ये जो इसके अंदर लेटर एम्ब्रियोनिक लार्वल स्टेज जो है वो सिलिटेड हैं सिलटेड हैं तो ऑबियसली ये स्विमिंग भी शो करेंगे एंड दे विल फीड ऑन द प्लैक्टोन आल्सो कुछ स्पीशीज के अंदर जो एम्ब्रूज है दे डिवेलप फ्राम योक दैट इज स्टोर्ड इन द एग ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन फिर इसमें ऊ साइड्स जो हैं देट आर एवरेज 137 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, अब जो स्मॉलेस्ट रिपोर्टेड है दैट इज इनसाइड दिस जीनस अब जो हैं, दे विल डेवलप इनटू टू बाइपिन एरिया लारवा लार्वा दिस विल फीड ऑन द प्लैंकटॉन। for at least four weeks and some cases it they can live in this larval stages up to 33 weeks before metamorphosis and then from this juvenile uh, starfish uh, active or adult starfish will develop